अभी की बड़ी खबर में आपको बताऊं, बीते 24 घंटे में शेख हसीना की पार्टी के 20 नेताओं के शव बरामद किए गए हैं। अवामी लीग से जुड़े लोगों के परिवार वालों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, सभी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। बताया ये जा रहा है कि 9 शव ऐसे हैं जो अवामी लीग के नेताओं के परिवार वालों के हैं। तो किस तरीके की दरिंदगी वहां पर लोगों के साथ हो रही है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिंदा जला दिया जा रहा है लोगों को। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों से लगातार हिंसा की खबरें हम तक आ रही हैं, सभी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। अब जैसे जैसे वहां पर तलाश की जा रही है, लोगों को ढूंढा जा रहा है, तो पता चल रहा है कईयों को मार दिया गया। और खासतौर पर अवामी लीग के जो नेता हैं उनके परिवार के लोग हैं वो वहां पर कट्टरपंथियों के टारगेट पर हैं। मेरे साथ निधि भी लगातार जुड़ी हुई है। निधि, बांग्लादेश से अभी और क्या सूचना आपको मिल पा रही है, कुछ और जानकारी मिल पा रही है, अभी क्या हालात हैं? देखिए, बर्बरता की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है बांग्लादेश से, लेकिन इस वक्त मैं बांग्लादेश हाई कमीशन पर हूँ अखिलेश, और कल से आज तक में बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई तस्वीर अगर कहा जाए बदलाव की तो वो नहीं देखी गई है। हालांकि बैरिकेड्स जो है वो कल से ही देखा जा रहा है और पुलिस की सुरक्षा यहाँ बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स यहाँ ज़रूर पहुँचे हैं जिनको वीज़ा से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, उनकी भीड़ यहाँ देखी गई है, विशेष तौर पर जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे देश में रहते हैं उन लोगों को। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो कवर करने जाना चाहते हैं बांग्लादेश, वो कुछ लोग यहाँ पर ज़रूर आए थे। ये आपको सामने काउंटर दिख रहा होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन सबके ले लिए गए, लेकिन अभी भी हामी नहीं दी गई है कि उनको वीज़ा इशू किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है, उथल पुथल है, क्योंकि बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं वो भी सबसे पहले बांग्लादेश हाई कमीशन पहुंच रहे हैं जानकारी के लिए, और इस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ नहीं है, बैरिकेड्स है, सुरक्षा है। जब तक वहाँ पर सब कुछ शांत नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर भी हाई कमीशन पर भी इसी तरीके से बैरिकेड्स रहेगा, और इसके अलावा BSF के जो जवान हैं वो यहाँ पर सुरक्षा दे रहे हैं। अखिलेश, बिल्कुल, तो सुरक्षा और ज़्यादा चाक चौबंद भी की जा रही है। कुछ तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, आप उन तस्वीरों को देखकर समझ पाएंगे कि अभी बांग्लादेश में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। अंतरिम सरकार के गठन को लेकर तमाम तरह की जो तैयारियों की खबर आ रही थी आप देख सकते हैं, वो तस्वीर भी सामने आ गई है। आप देख पा रहे हैं वहाँ पर मोहम्मद यूनुस नजर आ रहे हैं आपको, पेरिस से आज ढाका लौटने की बात है, वहाँ पर कुछ नेता भी लौटेंगे। बांग्लादेशी आर्मी में बड़े फेरबदल की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। तख्ता पलट से जलाया बांग्लादेश, यानी कि जलता बांग्लादेश, यानी वहाँ पर किस तरीके के हालात हैं वो आप देख रहे हैं। वहाँ पर आगजनी और लूटपाट की घटनाएं लगातार हो रही हैं, और सबसे बड़ी जो चिंता की बात है और भारत के संदर्भ में जो खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वहाँ पर जो धार्मिक तौर पर अल्पसंख्यक हैं यानी हिंदू, उनके ऊपर टारगेटेड अटैक किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि कैसे एक पूरा कस्बा जो है हिंदुओं का, उसे आग के हवाले कर दिया गया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।